Cries of catch it straight away. This will help his cause dramatically. He's got no pain. There's no pain in that thumb whatsoever. It suddenly disappeared. He's picked up wicket first ball. And ATF, Southern Punjab are in trouble again. Losing the wicket of Zeeshan. This time he wanted to take on experienced Yasir Shah on the very first delivery. Easy catch by Umair Asif. And Yasir Shah, he's definitely no pain. And someone's got to explain that shot to me. I don't understand that at all. Asif goes to 18. 50 for three now. अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ, मौका है आजम के लिए टू गेट बैक इनटू रिदम और ये कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इसके बाद 11 ओवर्स बाकी हैं। मैंने कहा और ये कुछ उल्टा ही हो गया, बॉटम एज ले बैठे और अपने आप से काफी नाराज हैं। तेज गेंद था, कट करने जा रहे थे और बॉडी से काफी करीब भी था। ये एक्सपीरियंस है यासिर शाह का और ये प्रॉब्लम है ATF सदन पंजाब की। आधी टीम डग आउट में चली गई है। थोड़ा सा सरप्राइज है आजम खान इस डिसीजन से और कीपर तो फौरन ही बिस्मिल्लाह खान ने इस चीज को कंफर्म कर लिया था कि एज लगा है, लेकिन आजम खान नहीं खुश नहीं और खुश होना भी नहीं चाहिए। अच्छा बाउंस मिला यासिर शाह को और एज कर दिया आजम खान ने और ये 61 पे 5 और तमाम तर जो है हमारी वर्ल्ड कप स्क्वाड का मिडिल ऑर्डर यहाँ पर है। इस बार ज्यादा नोटिस किया कि यासिर फ्लाइट ज्यादा दे रहे हैं बॉल को, पहले तेज फ्लैट ट्रैजेक्टरी से कराते थे बॉल। स्पिनर्स के लिए से है यहाँ, हमने देखा है अभी तक मैचेस में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अपना रोल बड़े अच्छा निभा रहे हैं स्पिनर्स। ऑल ओवर गेंद, एक बार फिर अपील और आउट, सेम रिजल्ट, बड़ी विकेट आमिर यामीन, यासिर शाह की डबल स्ट्राइक। बहुत ही शानदार बॉलिंग, इस बार गेंद थोड़ा सा तेज था लीना। जी हाँ बिल्कुल, फ्लाइट थोड़ी कम थी, फ्लिपर था और रीड नहीं किया और एज देख बैठे और ये विकटें एक के बाद एक गिरती जा रही हैं और यासिर शाह को जब विकटें मिले तो वो बहुत ही डिफिकल्ट मुश्किल बॉलर बन जाते हैं। 71 पर 6 3 रन्स बनाकर आउट हुए आमिर यामीन, 8 बॉलें उन्होंने खेली।